Hello everyone welcome back to Magnet Brains I am Swati your English Educator with my entire team here who takes care of class 6 to class 8 and here we are going to make sure that

सो ही फर्स्ट इज थीम ट्रू ओनरशिप इज ट्यूवर्डशिप बेसिकली वो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द कंट्री नो कंसिडरेशन इज गिवन टू द एन्वायरमेंट जो मैन हैं यूमन हैं उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट को पीछे छोड़ दिया है एंड वी ऑल नो दिस

हिंट्स कैसे दिए हैं कि जब एलिफेंट जो है वो नरेट कर रहा है मतलब वो अपनी बारे में बात कर रहा है तो वो ह्यूमंस की क्या गलतियां हो रही हैं उस चीज़ को हिंट कर रहा है तो वो यहाँ पे पोएट जो है वो काफ़ी हिंट्स दे रहे हैं जिससे हमको इंसाइट मिलेगा जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी नॉलेज मिलेगा कि यू you नो know, कि किस तरीके से हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए हमारे इस नेचर के लिए हमारे इस प्लानट के लिए और हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं द पोम ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट इंडिया वेंचर इन टू बिल्डिंग फॉरेस्ट डैम्स सो अब जो है इंडिया में किस तरीके से फॉरेस्ट डैम्स को बनाने के लिए हम जो है फॉरेस्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं तो उस बारे में भी बात हुई है इन दिस पोम द एलिफेंट इज रिप्रजेंटिंग द एनिमल किंगडम एंड इज गिवन एट्रीब्यूट ऑफ मैन मेकिंग हिम थिंक एनालाइज द सिचुएशन एंड वॉइस हिज ओपिनियन लाइक अ पर्सन बेसिकली इस पूरी पोम में एनिमल्स को परसोनीफाई किया गया है स्पेशली एलिफेंट को परसोनिफाई किया गया है जहाँ पे वो एक ही की तरह सोच सकता है सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है और अपने ओपिनियन को एक आवाज दे सकता है और ये कौन कर सकता है एनिमल्स तो नहीं कर सकते सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं तो यहाँ पे एनिमल्स को हमने परसोनीफाई किया हुआ है इट ऑल्सो प्रेजेंस अ फ्रैंक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन हाईलाइटिंग हिज मेन वीकनेस फ्रॉम विच ऑल द अदर स्टेम अब यहाँ पे वो एक मैन का एक ह्यूमन का एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जहाँ पे वो उसकी वीकनेस के बता रहे हैं इन हिज सेल्फिशनेस कि वो किस तरीके से अपनी सेल्फिशनेस में ही थिंक्स इज द मास्टर ऑफ द अर्थ एंड दैट इगोज इज द रूट ऑफ द मेस वो बोल रहा है कि उसको ऐसा लगता है ये जो पूरा प्लानिट है वो पूरा प्लानिट जो है वो उसकी जागीर है वो उसकी ओन्ड प्रॉपर्टी है एंड उसका जो ये ईगो है इज द रूट ऑफ द मेस वे दिन ही हैज एक्सप्लॉयटेड द अर्थ फॉर हिज बेनिफिट्स जहाँ पे उसने इस पूरे अर्थ को एक्सप्लॉयट किया है फॉर हिज ओन बेनिफिट्स The poem also highlights the contradictory character of man, which reflects his good and bad qualities. अब ये जो poem है ये man के contradictory character को भी बता रहा है कि कभी वो sane है कभी वो mad है कभी वो जो है बहुत ज़्यादा vicious है कभी वो किस तरीके का है तो उन्होंने बताया है कि वो contradict करता है कभी वो loyal है कभी वो caring है या कभी वो जो है loving है और कभी वो brutal है तो ये उसकी गुड और बैड क्वालिटीज़ को बताया गया है ही कैन बी जेंटल येट हर्टफुल वो जेंटल भी हो सकता है वो हर्टफुल भी हो सकता है वो केयरिंग भी हो सकता है वो क्रूअल भी हो सकता है वो सेन भी हो सकता है और वो क्रेजी भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ही क्रिएट्स एन इम्बेलेंस इन द इको सिस्टम एंडेंजरिंग फ्लोरा एंड फोना और उसके इस सनकीपने की वजह से वो पूरे इको सिस्टम को जो है इम्बैलेंस कर देता है क्यों क्योंकि वो फ्लोरा और फोना को डिस्ट्रॉय कर रहा है अब आते हैं हम इसकी समरी पे द पोम इज अ डिस्कशन बाय द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट इन अ पोएटिक स्टाइल सो ये जो पूरा जो पोम है ये एक एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में एक फॉरेस्ट में एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में एक डिस्कशन है जो उन्होंने एक पोएटिक स्टाइल में लिखा है द डिस्कशन इज अबाउट ह्यूमन वेंचर टू कन्वर्ट द एनिमल्स होम इन द वुडलैंड इन डू अ रिजर्वायर फॉर द बेनिफिट ऑफ द नियर बाय सिटी इस पूरे पोम में एक डिस्कशन हो रहा है तो एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पे एनिमल्स हैं वो क्या डिस्कस करें कि ह्यूमंस जो हैं वो इस जंगल में अब क्या है? एक रिज़र्वय बनाना चाहते हैं ताकि उनके जो पास के जो गांव हैं शहर हैं उनको जो है मतलब किसी तरीके से बेनिफिट मिल सके रिजर्व बनाने का मतलब क्या है वो जंगल को ख़त्म कर देंगे जंगल को ख़त्म करने का मतलब वहाँ के जानवर वहाँ के बर्ड्स कहाँ जाएंगे सो so, इसी लिए ये डिस्कशन हो रहा है The elephant says that human beings kill animals for various reasons and hardly show gratitude towards animals. So elephant कह रहा है कि human beings जो हैं वो animals को बहुत various अलग अलग reasons के लिए मार देते हैं लेकिन वो कभी gratitude show नहीं करते कभी thankfulness show नहीं करते Man, it adds, is a confusing blend of opposites. वो ये भी बोलता है कि man जो है ना वो बड़ा confusing सा है मतलब कभी जेंटल है कभी जो है कभी जेंटल है कभी डेंजरस है सेंसिबल है अनप्रडिक्टिबल है लेवल हेडेड है और क्रेजी भी है सेम भी है एट द सेम टाइम मैड भी है मैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इज इज बेसिक सेल्फिशनेस वो जो इस पूरे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना वो उसका कुछ नहीं है वो सिर्फ उसका इगोइज़म है और उसका बेसिक सेल्फिशनेस है

द आयरनीट मैन एनिमल वो इनको गॉड्स की तरह पूछते हैं या फेस्टिवल्स उनके ऑनर में रखते हैं, गाने गाते हैं he, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनको मार देते हैं ही इवन वाइज अबाउट दियर गुडनेस एंड ग्रेटनेस ये डज नॉट केयर फॉर देम वो उनकी गुडनेस और ग्रेटनेस के बारे में लिखते हैं बट ही डयर फॉर देम ओके

द व्यूज ऑफ़ द एलीफेंट्स रिगार्डिंग मैन प्रोवाइड इंसाइट्स टू आर बिहेवियर एंड क्वेश्चन आर विजडम ये जो पूरे एलिफेंट के व्यूज हैं अबाउट ह्यूम्स वो हमें जो है हमारे बिहेवियर को इंसाइट प्रोवाइड करता है और एक तरीके से हमारी जो सैनिटी हमारी विज्डम हमारी समझदारी पर क्वेश्चन भी करता है क्या वाकई हम समझदार हैं वाकई जो हम हमारे नेचर के साथ कर रहे हैं वो सही है नाउ अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई है सो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो हमें पता है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है सो इन द पोम एलिफेंट एंड द ट्रेगोपेन पोएट यूजेस एंड कीप्स द परफेक्ट स्ट्रिंग विद पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन अ पोम सच एज मेटाफोज एलिट्रेशन सिमिली पर्सोनिफिकेशन एक्सेट्रा सो यहाँ जो हमने यूज करिए लिटरेरी डिवाइस वो क्या है पसोनिफिकेशन है जहाँ पे आप एक लाइक नॉन ह्यूमन चीज को मतलब इन एनिमेट चीज को ह्यूमन का ट्रेट देते हो जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स जो हैं दे दे आर आर टॉकिंग टू ईच अदर डिस्कसिंग ऑल सो दिस इज दिस दिस इज इज लाइक यू नो द ट्रेट ऑफ ह्यूम जो कि आप एक एनिमल को दे रहे हो तो उसे पर्सोनिफाई कर रहे हो वेयर द नॉन लिविंग थिंग इज प्रोजेक्टेड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लाइफ और अ लिविंग क्रिएटर एग्जाम्पल रिवर चैटर्ड लाइक बबली गर्ल्स अगर मैंने बोला द रिवर चैटेड लाइक बबली गर्ल्स मतलब रिवर की जो कलकल -कल आवाज आती है उसको मैं बब मतलब जो बच्चियां होती हैं या जो चिलबरी लड़कियां होती हैं उनकी बातों से कंपेयर कर रही हूँ द पोम इन रेफरेंस गिव्स द एलिफेंट अ ह्यूमन इमेज यहाँ पे जो पोम है ये एलिफेंट को क्या दे रही है एक ह्यूमन इमेज दे रही है इट डिस्क्राइब्स हाउ एनिमल्स सेल्फ टॉक इन देयर माइंड अबाउट द सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूम बेसिकली वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने दिमाग में ह्यूमंस के बारे में कैसे बात करते हैं इट गिव्स एनिमल्स रिफर्ड टू इन द पोम द ह्यूमन वॉइस एंड ह्यूमन केपेबिलिटीज इस पोम में जितने भी एनिमल्स हैं पर्सोनिफिकेशन के थ्रू उन्होंने उसे ह्यूमन वॉइस दी है ह्यूमन केपेबिलिटीज दी है और ह्यूमन रिफ्लेक्शन दिया है जहां पे वो सोशल एनिमल्स ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं बात कर सकते हैं अपने ओपिनियन को वॉइस कर सकते हैं क्लियर अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द पोम क्वेश्चन आंसर्स पे

मतलब रिप्रेजेंट करते हुए तुमसे बात कर रहा हूँ जिसने ह्यूमंस को बहुत टाइम तक सर्व किया है और वो उसे बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका है ऐसा बोल के वो ह्यूमंस के बहुत सारी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज के बारे में बात करता है वट स्ट्राइक्स यू अबाउट दैट लिस्ट कौन सी चीज है जो तुम्हें उस लिस्ट के बारे में स्ट्राइक करती है आर द रीजन कंसिस्टेंट और कॉन्ट्रेक्ट कॉन्ट्रोडिक्टी क्या तुम्हें लगता है जो रीजन है ये सही है या ये गलत है गिव टू एग्जाम्पल्स

वॉट स्ट्राइक्स यू अबाउट दैट लिस्ट उस लिस्ट से हमें क्या पता चल रहा है उस लिस्ट से हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन नेचर में जो कॉन्ट्रोडिक्शन है वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है एक कन्फ्यूज मेस है तो हमें यहाँ पे क्या बोलता है पता चल रहा है इट ब्रिंक्स आउट द कॉन्ट्रोडिक्शन इन ह्यूमन नेचर ह्यूमन नेचर में कॉन्ट्रोडिक्शन बताता है वो हमें मैन इज सेन एंड मैड मैन समझदार भी है पागल भी है लविंग भी है खतरनाक भी है से एलिफेंट इन द दिडल ऑफ ऑल दिस इज मैं इन सबके बीच में क्या है उसका इगोइज उसका ये हेड है जिसमें क्या है उसका सेल्फिश नेचर बसता है इट इज बिकॉज ऑफ सेल्फिश थिंकिंग दैट ही बिहेव इशनली एंड इन अ डिस्ट्रक्टिव वे अपने इस सेल्फिश नेचर की वजह से वो बिना मतलब इम्प्रैक्टिकली सोचता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा और वो डिस्ट्रक्टिव वे में अपने काम किए जा रहा है अंडरस्टूड चलिए आगे बढ़ते हैं ही सीज द प्लेनेट एज़ हिज फील्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग फॉलोस फ्रॉम इट मतलब वो अपने वो इस पूरे प्लेनेट को एक कोई सेल्फ ओन प्रॉपर्टी की तरह देखता है कि जैसे कि उसकी जागीर हो इससे क्या पता चलता है हमको और इससे इस प्लेनेट पे क्या असर पड़ रहा है सो मैन थिंक्स दैट द वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम मैन को लगता है ये पूरा प्लान जो है वो उसी का है बिकॉज़ ऑफ़ दिस ही डिस्ट्रॉयज़ द इन्वायरमेंट इनडिसक्रिमिनेटली इसकी वजह से वो पूरे इन्वायरमेंट को बिना कोई भेदभाव के डिस्ट्रॉय कर रहा है विदाउट रिगार्ड टू एनी ऑफ द क्रिएटर्स को हैबिटिंग द प्लानिट उसको लगता है वही है जो इस प्लानिट को ओन करता है एट द सेम टाइम वहाँ फिश रहते हैं वहाँ अदर एनिमल्स रहते हैं मैमल्स रहते हैं लेकिन वो उन सारे जो को एग्जिस्टिंग को हैबिटिंग क्रिएचर्स हैं वो उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो है इम्पोर्टेंस नहीं देता और वो सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है द प्लानिट एंड देर फोर एवरी थिंग लिविंग ऑन इट इज़ इन डेंजर ऑफ़ डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इस एटीट्यूड और मैन जो है उसके एटीट्यूड की वजह से प्लानट और वो हर चीज़ जो इस प्लानट से बिलोंग करती है वो सब जो है ख़तरनाक सिचुएशन में है डेंजर में है क्यों क्योंकि मैन का एटीट्यूड ही ऐसा है उसको लगता है सब कुछ उसका है तो वो जो चाहे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो नेचर को कैसे कंसिडर करता है कि नेचर जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा जबकि दैट इज़ नॉट ट्रू वेन द रोड कम्स द फॉरेस्ट गर्ल्स एक्सप्लेन वॉट दिस मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट सो वेन द रोड कम्स द फॉरेस्ट कोर्स इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली आपको फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे सो वेन मोर एंड मोर रोड्स आर बिल्ट इट लीड्स टू इनिटेबलीस्टेशन तो जब आप ज्यादा से ज्यादा रोड बनाते हो रोड बनाना है मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है मतलब आपको फॉरेस्ट आएंगे बीच में तो इसका मतलब इनएविटेबली मतलब आप चाह के भी इस चीज को रोक नहीं सकते और आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा आपको फॉरेस्ट खत्म करने पड़ेंगे एज आर सिटीज ग्रो बिगर एंड ह्यूम स्प्रेड आउट डीपर इन टू द वाइल्डनेस जैसे से हमारी जो सिटीज हैं वो बड़ी होती जा रही हैं और जो ह्यूमस हैं वो ऑल वाइल्डनेस मतलब वो ऑल फॉरेस्ट के अंदर जाते जा रहे हैं मोर रोड्स आर बिल्टू फॉरेस्ट अब उनको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स चाहिए रोड्स के लिए वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं मतलब वो उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं

टू बॉर्न डाउन द फॉरेस्ट विल लीव सूट एंड एश वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे जंगल को जलाने के लिए जो फा, आ, फायर यूज होगा वो फायर से जब पूरा जंगल जल जाएगा तो बचेगी क्या सूट मतलब राख पूरा ऐश बचेगा और पूरा फिल्थ बचेगा और यह पूरा फिल्थ कहाँ जाएगा यह जाएगा पानी में दैट विल किल द क्रिएचर्स इन द स्ट्रीम बिफोर द रिजॉयर कैन बी बिल्ट तो so, रिजर्व बनेगा उससे पहले ये जो पूरा कचरा है ये पूरा फिल्थ जो है ये पानी में जाएगा और वहाँ के सारे क्रिएचर्स को ऑलरेडी किल कर देगा द लाइन फ्रॉम द पोम इज वॉट टोल्स फॉर अस इज़ योर ओन बेल मतलब जो हमारे लिए जो फ्यूंजल बेल है वो तुम्हारे लिए भी फ्यूनजल बेल है मतलब जो चीज़ हमें मारेगी वो तुम्हें भी मार देगी

कौन सी चीज़ है जो इन सबको होमलेस करेगी जो मैन का जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो इन सब चीज़ों को होमलेस कर देगा नेक्स्ट इज इन द सेकेंड स्टैंडा अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन अन एनिमिटी एंड प्रॉक्सिमिटी मतलब फुल यूनाइटेड एंड फेयरली यूनाइटेड ठीक है अनएनिमिटी इज फुली यूनाइटेड तो वहां पे मीनिंग में गलत था अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज क्लोथ विदाउट एंड फूड विद इन

आपके तीन एग्जाम्पल जहां पे हमको इस तरीके का एक पेर जो कॉन्ट्रोडिक्शन वाला पेर है थर्ड स्टैंड क्रिएटर वाला कंसिडर हाउ मच इट से सो मैनी क्वालिटीज सो वेल वर्डेड एंड वेल अरेन्ज इन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर एंडिंग विद्रल ऑफ दम ऑल

इसमें पूरे जो है वर्ड पेयर्स हैं जो कि ऑपोजिट मीनिंग्स के हैं इट इज फिल्ड विद दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट स्ट्रॉन्गली वॉट अ स्टिकी मेस मैन इज क्या बताने के लिए कि किस तरीके का एक कंफ्यूजिंग इंसान है मैन इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर दैट मैन इज अ डिफिकल्ट क्रिएटर टू अंडरस्टैंड और इसी

बताने के लिए और एट द सेम टाइम वो उसके एक्शन की इस रैशनैलिटी को एक्सप्रेस करता है कि बिना सोचे समझे वो काम कर रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग पार्ट द मेन थीम ऑफ द एलिफेंट स्पीच इज द सेल्फिशनेस ऑफ ह्यूमंस ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि उसने एलिफेंट ने पूरे इसमें ह्यूमंस के बारे में क्या बताया कि वो कितने सेल्फिश हैं।

So, by addressing the leopard's fantasy of having a forest full of deer and the trout's vision of endless space, the elephant reminds them that if the forest goes, all creatures go with it. तो यहाँ पे जब वो एड्रेस करें कि लेपर तुम्हारी फैंटेसी की एक फॉरेस्ट जिसमें इट इज फुल ऑफ तुम जो हो जाओ पाउंस करो और उनको किल करके खा लो सिमिलरली फिश जो जिसके पास बहुत बड़ा स्पेस है वो कहीं पे भी स्विम कर सकती है सो so, वो उसको क्या रिमाइंड कराता है कि जैसे अगर फॉरेस्ट अगर खत्म हुआ तो तुम भी खत्म हो जाओगे दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ द एनिमल्स मे नॉट फुल रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ डेंजर फेसिंग अब वो यहाँ पे ये यह बताते हुए ये बताना चाह रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अभी भी ये रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि उनके लिए कितना बड़ा डेंजर है उनको लगता है कि अगर ये कुछ एनिमल्स चले गए तो क्या हुआ ज्यादा स्पेस मिलेगी हमको ज्यादा खाने के लिए चीजें मिलेगी हमको तो मे बी दे द एलिफेंट कॉशन दिस इज नॉट द केस लेकिन एलिफेंट अपनी इस के थ्रू बता रहा है कि ऐसा नहीं है द बेल द टॉल्स फॉर द फॉरेस्ट इज द डेथ बेल फॉर ऑल वो ये बोल रहा है कि जो बेल फॉरेस्ट का फ्यूंजल है वो सबका फ्यूनजल है मतलब जो हमारे लिए फ्यूंजल बेल है वो सबके लिए फ्यूनजल बेल है एंड दैट इज इट हियर वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर थीम समरी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच आई होप इट इज क्लियर टू यू इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट टू मी थैंक यू सो मच वंस अगेन यू कैन फाइंड ऑल दीज वीडियोज ऑन आर वेबसाइट मैगनेट रेन्ेंस डॉट कॉम जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना एंड देन यू हैवे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो भी चैप्टर आपको पढ़ना उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है यू हैव टू क्लिक ऑन एट एंड योर वीडियो विल स्टार्ट सो दैट इज़ इट थैंक यू वंस अगेन आई एल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो वेर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेवंथ यूनिट ऑफ क्लास एट गुलमोहन बुक डो नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टीक केयर बाई